इस वक्त जो है 6000 फीट की बुलंदी पे खड़े हुए होंगे और दुबई में होंगे, और यहाँ पर जो है हम 8 डिग्री पे जो है वो महसूस कर रहे होंगे। कभी मतलब मैंने तो नहीं वजन किया था। क्या नाम बताया जा रहा था? जबल जेस। फ्रेंड्स, हम लोग जो है जबल जैज आ गए हैं, और आप बिलीव करें इतना ज़्यादा हाइट पे हम लोग हैं। इस वक्त तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पे हम लोग हैं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आज का हमारा प्लान ना बड़ा ही स्पेशल है। आज स्पेशल इसलिए है कि हम लोग जो है सारा समझ लें रात का जो डिनर वगैरह है ना, वो सब कुछ हम यहीं पर ही प्लान कर रहे हैं, और प्लान नहीं कर रहे बल्कि वो हम लोग खुद से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी लेडीज़ हैं माशाल्लाह हमारी, वो सब आज आराम करेंगी, और जितने भी हम बॉयज़ हैं, जितने भी हमारे लड़के लोग हैं ना, वो सारे के सारे जो है माशाल्लाह वो आज लगे पड़े हैं। अभी हम यहाँ से ना एक और पॉइंट है जो कि भाई ने बताया कि वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और इससे भी ज़्यादा हाइट पर है, तो हम ज़रा उस जो है पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। तो 5:20 हो रहे हैं और हवा भी बड़ी भरपूर चल रही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं अभी आपको व्यू भी दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखें, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ माशाल्लाह इस वक्त जो है कितनी हम लोग हाइट पर आए हुए हैं। जान बचा के निकला है, वो बड़ा काम करवा रहे हैं यार वो लोग। अभी उन्होंने जो है वो सारे क्या कहते हैं उसको, कोयले गर्म करवा दिए और कैंप शैम्प भी लगवा दिए, और उसके बाद वो कह रहे थे कि उसको हवा भी करो, तो किसी तरह से मैं कट के आ गया हूँ वहाँ से। आज का दिन हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मैं बताऊँ इस पूरी पिकनिक का और जो क्रेडिट जाता है वो हमारे भाई शाहिद भाई को, मैंने आपसे मुलाकात कराई थी आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पे, तो उनको मैं स्पेशली मैं चाहूँगा थैंक्स करूँ, और आप लोगों से भी मैं बात करवाऊँ उनकी। जी शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक ग्रैंड पिकनिक हमारे लिए अरेंज करने का, थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए भाई, पिकनिक और कुछ नहीं होती, पिकनिक सिर्फ अपने लोगों का साथ मिल बैठ के हंसना मुस्कुराना, यही जिंदगी है और यही सब कुछ है। अपने गमों को बोझ को हटाइए, मिल के बैठिए, जो काम खुदा के हाथ में उसको छोड़ दीजिए, जो काम आपके हाथ में सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपने प्यारे से भांजे से मिलवाऊंगा, ठीक है, जो माशाल्लाह दुबई में ही होता है, और उसके पास भी हम आए हुए हैं माशाल्लाह, उसकी फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है, और हम लोग भरपूर इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, हम इन्जॉय इसलिए करते हैं क्योंकि माशाल्लाह जो जिस तरह की मेरी एक्टिविटीज़ है ना, वही माशाल्लाह सरफराज नाम है मेरे भांजे का, उसकी भी एक्टिविटीज़ वैसे ही हैं, तो हम लोग जब साथ होते हैं तो हम लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने भांजे से, बहुत सारे आपने लाइक्स भी देने हैं और कमेंट भी करने हैं मेरे भांजे के लिए, ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, खैरियत से? तो सरफराज, ये बताओ कि माशाल्लाह एक चीज़ मैंने अपने व्यूवर्स से पहले भी बात की थी, तो मैंने इनसे कहा था व्यूवर से कि मैं आपको बताऊंगा कि 2 घंटे का हमारा यहाँ से जो है वो डिस्टेंस है पाकिस्तान का और यहाँ का, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं तुम्हें माशाल्लाह यहाँ पर जो है माशाल्लाह 5-8 साल हो गए, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हो, क्या ऐसी वजह है कि आज दुबई माशाल्लाह तरक्की की चोटियों पर पहुँचा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जो है इस चीज़ को बहुत गौर से सुने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन सिर्फ 2 घंटे का फासला है और 2 घंटे पे इतना बड़ा चेंज, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ विजन का है, क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट इसको किसी और नज़र से देखती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरक्की को किसी और नज़र से देखती है, यहाँ सब कुछ अलग है। जबल जैस लाजमी आए, ठीक है, यहाँ आके ना मुझे वो मरी वाली फीलिंग्स आ रही है, जो मरी की ठंड होती है ना, और जो मरी का मगर ये कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वो जो है खिचमिच सा माहौल होता है, मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ा वेल मैनेज, हाँ स्पेस है, वेल मैनेज हुआ हुआ है, बहुत सब कुछ, रोड्स बड़े खुले खुले बने हुए,
और हर बंदा जो है वो बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंजॉय कर रहा है। इवन मैंने कल रात में भी देखा कि रात में भी यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है मगर कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ हुआ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे लोगों को यहाँ की पब्लिक को परेशानी हो, बल्कि यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा होता है। यानी यहाँ पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ घूमने फिरने आए हुए हैं, ऐसे ही कुछ है। देखिए आवाम तो वही है ना जो पाकिस्तान में, आवाम वही है जो इंडिया में, वही फैसिलिटीज जब यहाँ पर आ रही है उनको वो रेगुलेशन मिल रहे हैं जिसको वो फिर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक भी रूल्स तोड़ेंगे। अभी आप जगह जगह देखें बारबेक्यू हो रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैंने 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 दिखाया भी और मैं अभी अब दिखाता हूँ इनको सबको। ये लोग ट्रैश यहाँ पे नहीं फेंक सकते, वो जैसे ही फेंकेंगे गवर्नमेंट आएगी और इनको इनके ऊपर फाइन डाल के चली जाएगी। अच्छा सही बात है, यानी इसका मतलब ये कि रूल्स जो है वो यहाँ बने हुए तो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन वगैरह का सिलसिला ऐसा कुछ हो जाए तो फाइन हो जाए, तो भाई फाइन से बचना है तो फिर जो कचरा पचरा है ना उसको डस्टबिन में ही डालना है। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो आसानी हमें पाकिस्तान में मिल रही होती है, यूँ हाथ डाला खोला और बाहर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त और बड़े टेस्टी लग रहे हैं, तो अभी हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हैं। हाँ 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 हाँ, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मज़ेदार ज़बरदस्त। मैं बताऊं वेवर्स आपको यकीन करें, मैं कह रहा हूं सामने कह रहा हूं ये वाली बात नहीं है, हकीकत में बता रहा हूं कि हम लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें शाहिद भाई जैसे भाई मिले हैं, क्योंकि ये भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमें एडवाइस भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं, हमें सिखाते भी हैं। तो मैं तो हम ये विश करूँगा कि सब भाइयों को ऐसे बड़े भाई मिलें, ठीक है ना, जो आपको हर लम्हे हर जगह आपको गाइड करते हुए चलें। शायद भी कोई चीज़ जो आप हमारे व्यूवर्स से कहना चाह रहे हो, जो हमारे जूनियर्स से कहना चाह रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं आपको और बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो सीखना चाहेंगे समझना चाहेंगे, तो प्लीज़। भाई मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, रिश्तों की चाशनी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने रिश्तों की चाशनी को समझ लिया, समझने आपने दुनिया को समझ लिया और आपने सब कुछ समेट लिया जो कुछ इस दुनिया में मौजूद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो इस ग्रेट नोट और ग्रेट बात के साथ इंशाल्लाह अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो मेरे मामू के चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वाह, ये देखो ये मेरे मतलब की बात और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि माशाल्लाह जैसे हमारी ये फैमिली है ना, मैं सरप्राइज बताऊँ, हमारी ये यूट्यूब की फैमिली है और इस यूट्यूब की फैमिली ने जितनी जल्दी हमें एक्सेप्ट किया और जितना प्यार हमें ये दे रहे हैं और जितनी मोटिवेशन और अप्रिसिएशन हमें यहाँ से मिल रही होती है, तो ये फैमिली जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी और मतलब हमारी फैमिली की लाइफ में। यूट्यूब फैमिली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, दोबारा से बोलो, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस देखते रहें मेरे मामू की, इंशाल्लाह, और लाइक भी करते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी हमारी। सी यू देयर।